हे वेलकम बैक लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कौन से कौन से टाइप्स हम यूज कर सकते हैं में इस वीडियो में हम बात करेंगे एक स्पेशल डेटा टाइप के बारे में दैट इज ब्लॉब चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बी एल ओबी स्टैंड फॉर बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट जब आपको लार्ज अमाउंट ऑफ बाइनरी डेटा स्टोर करना होता है तब आप इस टाइप का यूज करते हैं ये माइ एसक्यूएल एंड ये स्पेसिफिक डेटा टाइप है सी प्लस प्लस सी इन जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपको ये डेटा टाइप नहीं मिलेगा बाइनरी डेटा को स्टोर करने के लिए इनका यूज होता है अब बाइनरी डेटा में क्या क्या चीजें आती है ऑडियो फाइल्स आती है इमेज फाइल्स वीडियो फाइल्स ये सारी चीजें बाइनरी डेटा के अंदर आती हैं इन टाइप्स के फाइल्स को स्टोर करने के लिए इस टाइप का यूज किया जाता है एंड दिस टाइप ऑफ डेटा इज प्रोसेस्ड एंड मैनेज इन अ स्पेशल वे सो जब भी कोई यूजर वीडियो ऑडियो और इमेज फाइल अपलोड करता है तो उनको डेटाबेस में स्टोर किया जाता है बाय यूजिंग दिस डेटा टाइप कुछ डिसएडवांटेजेस है फर्स्ट डिसएडवाटेजेज डेटा डेटाबेस ऑपरेशन इन ब्लॉब्स आर लिमिटेड टू फुल रीडिंग एंड सेविंग आप सिर्फ रीडिंग एंड सेविंग कर सकते हैं और बैकअप भी ले सकते हैं लेकिन कुछ ऑपरेशंस आप परफॉर्म नहीं कर सकते ऑन दिस टाइप ऑफ डेटा द ऑपरेशंस लाइक सर्चिंग सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग इन ऑपरेशन्स को आप अप्लाई नहीं कर सकते ऑन ब्लॉक डेटा लेकिन दो बड़े एडवांटेजेस है जब आप का लेते, तो इन फाइल्स का बैकअप अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम साइज फर्स्ट वन इज टाइनी ब्लॉक टू फिफ्टी ऑफ डेटा ये मैक्सिमम कंटेन करता है मीन so, आप टू फिफ्टी के ऊपर फाइल अपलोड नहीं कर सकते इफ यू स्पेसिफाई टाइनी ब्लॉक लेकिन अगर आप ब्लॉक स्पेसिफाई करते तो आप मैक्सिमम इतना बाइट स्टोर कर सकते हैं मीडियम ब्लॉप का ये साइज है वेराज लॉन्ग ब्लॉप का ये साइज है मीन्स अगर आपको वीडियो फाइल्स अपलोड करवानी है तो आप यूज करेंगे लॉन्ग ब्लॉप का ये जस्ट एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था नेक्स्ट वीडियोज में हम बात करेंगे कि कैसे बाइनरी डेटा को स्टोर किया जाता है इन माई स्किल डेटाबेस इस वीडियो में बस इतना ही उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा विल सी यू नेक्स्ट टाइम